आज हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पंथ के भेदभावों को समाप्त कर देना चाहिए। मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लोहा भले ही गर्म हो जाए, हथौड़े को तो ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं अपना हत्था जला डालेगा। कोई भी राज्य प्रजा पर कितना ही गर्म क्यों न हो जाए, अंत में तो उसे ठंडा होना ही पड़ेगा। मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे। जब जनता एक हो जाती है, तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता। अतः जात पात के, ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाइए। संस्कृति समझ बूझकर शांति पर रची गई है। यदि मरना होगा तो वे अपने पापों से मरेंगे। जो काम प्रेम व शांति से होता है, वह वैर भाव से नहीं होता। अक्सर मैं ऐसे बच्चे जो मुझे अपना साथ दे सकते हैं के साथ हंसी मजाक करता हूँ। जब तक एक इंसान अपने अंदर के बच्चे को बचाए रख सकता है, तभी तक उसका जीवन उस अंधकारमयी छाया से दूर रह सकता है जो इंसान के माथे पर चिंता की रेखाएं छोड़ जाती है। अगर आपके पास शक्ति की कमी है तो विश्वास किसी काम का नहीं, क्योंकि महान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शक्ति और विश्वास दोनों का होना जरूरी है। इस देश की मिट्टी में कुछ अलग ही बात है, जो इतनी कठिनाइयों के बावजूद हमेशा महान आत्माओं की भूमि रही है। अगर हमारी करोड़ों की दौलत भी चली जाए या फिर हमारा पूरा जीवन बलिदान हो जाए, तो भी हमें ईश्वर में विश्वास और उसके सत्य पर विश्वास रखकर प्रसन्न रहना चाहिए। आपके घर का प्रबंध दूसरों को सौंपा गया हो तो यह कैसा लगता है, यह आपको सोचना है। जब तक प्रबंध दूसरों के हाथ में है, तब तक परतंत्रता है और तब तक सुख नहीं। उतावले उत्साह से बड़ा परिणाम निकलने की आशा नहीं रखनी चाहिए। एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है। जब तक उसे ठीक तरह से सामंजस्य में ना लाया जाए और एकजुट ना किया जाए। कठोर से कठोर हृदय को भी प्रेम से वश में किया जा सकता है। प्रेम तो प्रेम है। माता को अपना काना को बड़ा बच्चा भी सुंदर लगता है और वह उसे असीम प्रेम करती है। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता। अतः जब तक जीवित रहें और कर्तव्य करते रहें, तो इसमें पूरा आनंद मिलेगा। जब तक हमारा अंतिम ध्येय प्राप्त ना हो जाए, तब तक उत्तरोत्तर अधिक कष्ट सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आए, यही सच्ची विजय है। स्वतंत्र भारत में कोई भी भूख से नहीं मरेगा। अनाज निर्यात नहीं किया जाएगा, कपड़ों का आयात नहीं किया जाएगा। इसके नेता ना विदेशी भाषा का प्रयोग करेंगे, ना किसी दूरस्थ स्थान समुद्र स्तर से 7000 फुट ऊपर से शासन करेंगे। इसके सैन्य खर्च भारी नहीं होंगे। इसकी सेना अपने ही लोगों या किसी और की भूमि को अधीन नहीं करेगी। इसके सबसे अच्छे वेतन पाने वाले अधिकारी इसके सबसे कम वेतन पाने वाले सेवकों से बहुत ज्यादा नहीं कमाएंगे और यहां न्याय पाना ना खर्चीला होगा ना कठिन होगा। बेशक कर्म पूजा है, किंतु हास्य जीवन है। जो कोई भी अपना जीवन बहुत गंभीरता से लेता है, उसे एक तुच्छ जीवन के लिए तैयार रहना चाहिए। जो कोई भी सुख और दुख का समान रूप से स्वागत करता है, वास्तव में वही सबसे अच्छी तरह से जीता है। हर जाति या राष्ट्र खाली तलवार से वीर नहीं बनता। तलवार तो रक्षा हेतु आवश्यक है, पर राष्ट्र की प्रगति को तो उसकी नैतिकता से ही मापा जा सकता है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। अब हर भारतीय को भूल जाना चाहिए कि वह सिख है, जाट है या राजपूत। उसे केवल इतना याद रखना चाहिए कि अब वह केवल भारतीय है, जिसके पास सभी अधिकार हैं, लेकिन उसके कुछ कर्तव्य भी हैं।